जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर आज लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं है तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं बैंक में और आपसे बैंक वाले बोल देते हैं कि इस पर्टिकुलर काम के लिए आप लिख दो भाई एक मैनेजर को एप्लीकेशन, तो आप देखने लगते हो इधर या उधर। तो अब आपको इधर या उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बैंक एप्लीकेशन। तो अब अगर आप बैंक में जाते हो और अगर आपसे कोई कहता है कि आप एप्लीकेशन लिख दिए मैनेजर को, तो ये होगा सिर्फ आपके बाएं हाथ का खेल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बैंक एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या होता है, हम इधर लिखते हैं अपना टू द ब्रांच मैनेजर, उसके बाद बैंक का नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका SBI में अकाउंट तो आप लिखना SBI, उसके बाद अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में तो आप लिख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद लिखना होता है एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल मयूर विहार या आली विलेज या सरिता विहार, जो एड्रेस हो वो आप इधर लिख सकते हो। उसके बाद लिखते हैं हम एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट, और ये बात हमेशा याद रखना जो बैंक के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं वो A4 साइज़ की जो व्हाइट शीट होती है, फोटोकॉपी वाला जो पेपर होता है उसके ऊपर लिखी जाती है ये, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर। अब रिक्वेस्ट फॉर अब आप किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हो, जैसे अगर आप नई चेकबुक इशू करवानी है तो रिक्वेस्ट फॉर जो चेकबुक इशू करवानी है उसके लिए, या बैंक स्टेटमेंट चाहिए उसके लिए, या कोई चेक गलती से किसी के पास चला गया तो उसकी पेमेंट रुकवानी है उसके लिए, तो रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे लिखते हैं डियर सर या मैम। अब उसके बाद आपको लिखना है विथ फुली रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अकाउंट होल्डर इन योर बैंक, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना है फिर उसके बाद अपना जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर ये, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू। अब मैं ये लेटर आपको लिख रहा हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू प्रोवाइड मी बैंक स्टेटमेंट, या जैसे बैंक स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया टू प्रोवाइड मी बैंक स्टेटमेंट ऑफ माई अकाउंट फ्रॉम कौन सी डेट से कौन सी डेट तक चाहिए वो आप लिख देना इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में लिखनी है एक लाइन फॉर दिस काइंड एक्ट आई विल एवर बी ग्रेटफुल टू यू, आपके इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या आभारी रहूंगी। यहाँ पर हो जाती है आपकी एप्लीकेशन खत्म। पर उसके बाद आपको इधर लिखना होता है लेफ्ट साइड पे थैंकिंग यू योर सिंसियरली, जो आपका नाम है वो, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद डेट, और नीचे आपको करने होते हैं अपने सिग्नेचर। तो ये था आपका फॉर्मेट। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाता है कि बैंक एप्लीकेशन लिखते कैसे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन लिखनी है तो कैसे लिखते हैं, तो उसका एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं मैं अभी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट है, ठीक है, मयंक नाम का एक लड़का है, तो उसका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो उसको अपने बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है 1 अप्रैल 2021 से 3 अक्टूबर 2021 तक की। तो अब उससे बोल दिया, वो बैंक में गया तो बैंक वालों ने बोल दिया कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी ब्रांच मैनेजर के नाम की, ठीक है। तो आपको फिर हम वो दे देंगे बैंक स्टेटमेंट, जो चार्जेस लगेंगे वो लग जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, एप्लीकेशन लिखोगे सबसे पहले लेफ्ट साइड पे, जितनी ये सब चीज़ें कराई है मैंने ये सब लेफ्ट साइड पे ही रहेंगे, ठीक है। पेपर है ये जैसे, तो ये सब लेफ्ट साइड पे ही आपकी रहेंगी। तो ऊपर लिख दिया टू द ब्रांच मैनेजर, तो जो बैंक का नाम है फिर आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आएगी जो लोकेशन है दिल्ली। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, अब जो सब्जेक्ट है वो लिख देना है। अब जैसे इसमें बैंक स्टेटमेंट का है, रिक्वेस्ट फॉर बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 3 अक्टूबर 2021, ठीक है। उसके बाद लिखना है डियर सर या मैम विथ फुली रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अकाउंट होल्डर इन योर ब्रांच, ठीक है। अब अकाउंट नंबर लिख देना इधर कि अकाउंट नंबर है 1234। उसके बाद में आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट, मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ कि मुझे बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करा दो मेरे अकाउंट की, कब से कब तक की, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 3 अक्टूबर 2021, ठीक है। यहाँ तक हो गया सारा आपने बता दिया। उसके बाद में नीचे जो ग्रीटिंग लिखते ये कि फॉर दिस काइंड एक्ट आई विल एवर बी ग्रेटफुल टू यू, आपके इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो छोटा होगा, डायरेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट को बहुत लंबा नहीं खींचना होता, जैसे मैंने इधर लिख दिया कि रिक्वेस्ट फॉर बैंक स्टेटमेंट, तो इससे मतलब वो सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं खाली, पूरे वो नहीं पढ़ते। तो सब्जेक्ट सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए, जिसके लिए लिख रहे हो खाली वही चीज़ उसमें होनी चाहिए। अगर चेक के लिए लिख रहे हो तो रिक्वेस्ट फॉर चेक बुक, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के लिए तो रिक्वेस्ट फॉर बैंक स्टेटमेंट, बस बात खत्म।
उसके बाद आ जाता है लेफ्ट साइड में ये थैंकिंग यू योर सिंसियरली नेम मयंक अकाउंट नंबर 1234 डेट जो है उसके बाद नीचे अपने साइन कर देना। तो ये थी आपकी बैंक की एप्लीकेशन। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे आपको अगर बैंक में कहीं जाना पड़े और एप्लीकेशन लिखने के लिए कोई बोल दे तो आप उसको एप्लीकेशन लिख कर दे सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अक्षवाट के यूट्यूब चैनल के साथ। अगर ये सेशन पसंद आया हो एप्लीकेशन लिखने का तरीका, तो इसको कर देना वीडियो को लाइक और जिसको ज़रूरत हो उस तक पहुँचा देना शेयर करके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की नई मजेदार वीडियोस मिलती रहेंगी आपको इसी चैनल के माध्यम से। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।